Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. एक ऐसी जमी बस मैजिक है जहाँ हर सू ताकत का समान, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजा देख न पाए, खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से कहानी है एक कदीम और खतरनाक सफर की, नाकाबिले फरामोश कामों की कहानी, अच्छे और बुरे दोनों की कहानी, मॉन्स्टर्स की, खास तौर पर ये किंगडम का सबसे ज्यादा खौफनाक मॉन्स्टर। लेकिन ये कहानी का आगाज नहीं है, कहानी का आगाज तो बहुत पहले हो चुका था। मेरा नाम शेरजाद है और ये कहानी मुझसे शुरू होती है जब मैं एक सुल्तान की जान बचाने की कोशिश कर रही थी। क्या कोई बता सकता है कि मिस्टर अजवाइन एसेंस कहां से मिलेगा? यही रहना जमाल। मुझे मिस्टिक अजवाइन एसेंस चाहिए। हाँ। जादूगर हारून खालिद की बेटी मेरी दुकान पर। हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे एसेंस चाहिए। सुल्तान की तबीयत बहुत खराब है और अगर मुझे वो एसेंस नहीं मिला तो मैं दवाई नहीं बना पाऊंगी। उफ, अब क्या करूं? मिलेगा मिस्टिक अजवाइन एसेंस, लेकिन मैंने कहाँ रखा है ये याद नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मिस्टिक अजवाइन एसेंस, क्या किसी ने मिस्टिक अजवाइन एसेंस के बारे में सुना है? लेकिन फौरन मुझे। मैं उनकी मदद नहीं कर सकी, कोई नहीं कर सका। सबसे अकलमंद और रहम दिल सुल्तान जैसा गोल्डन सिटी ने कभी नहीं देखा था। ऐसा सुल्तान जिसने कई दहाइयों तक अमन और खुशहाली से सल्तनत की, वो चला गया। नया सुल्तान उसके बेटों में से एक होगा। सबसे छोटा करीम, जो अपने वालिद की तरह मेहरबान और अकलमंद था, या फिर बड़ा बेटा शाहजमान जिसमें सिर्फ लालच भरा था। अगर आपकी इजाजत हो तो जल्द अज जल्द ये वसीयत पढ़ ली जाए। क्या इतनी जल्दी? अभी बाबा को गुजरे दिन ही कितने हुए हैं उस्मान, तो फिर अचानक ये सब क्यों? इंतहाई एहतराम के साथ, गोल्डन सिटी एक सुल्तान के बगैर है, इसलिए वसीयत अभी पढ़ना लाजमी है। ठीक है, पढ़ लो उस्मान, ताकि फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो जाए और मैं जितना जल्दी हो उस नरम तख्त पर बैठ सकूं और इस हार्ट तख्त से मेरी जान छूटे। ऐसा ही होगा भाई, बाबा के बाद ये जगह आपकी है। ठहरिए, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? हाँ, ये हमारा फैमिली मैटर है। ये भी फैमिली का हिस्सा नहीं है। तुम नहीं हो इस फैमिली का हिस्सा। ये क्या कह रही हैं आप? इसके बाबा बिल्कुल हमारे बाबा जैसे थे। क्या याद नहीं है आप सबको, उन्होंने अपनी जान पे खेल के इस शहर को बचाया था। ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और फैमिली भी। प्रिंस करीम, आप मुझे इजाजत दीजिए। ओह हाँ जी, पढ़िए। ये वसीयत मरहूम सुल्तान की तरफ से है, जो कि गोल्डन सिटी के रखवाले प्रोटेक्टर। ओह एक सेकंड, स्किप करो इसे, हम जानते हैं वो कौन थे। अरे घबराओ नहीं मेरे भाई, तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ा होगा। अगर तुम चाहो तो महल का मशरक़ी हिस्सा रख सकते हो, उसके साथ छोटा सा गार्डन है। ये हमारे बाबा की दौलत है, कोई लूटा हुआ सामान तो नहीं, फिर इसे बांटें क्यों? देखो इसमें फायदा है, क्यों इसे एंजॉय नहीं करते? मैं जानता हूँ मेरा हिस्सा तुमसे ज्यादा होगा। ये वसीयत मरहूम सुल्तान यानी आपके वालिद की तरफ से है,
जिसके मुताबिक ये ताज उनके छोटे बेटे प्रिंस करीम पहनेंगे। क्या? क्या ये मेरा नाम था? लेकिन मुझे इसका लगा। उस्मान, तुमसे गलती हुई, एक दफा फिर से पढ़ोगे? सुना नहीं, दोबारा पढ़ो। सुल्तान की वसीयत सुना दी गई। आप हैं हमारे नए सुल्तान। आपका हुक्म सर आंखों पर। नहीं, मैं नहीं मानती ये। मेरा हक बनता है, मुझे सुल्तान बनना चाहिए, लेकिन वाले से गलती हुई है, हमें उसे कोड़े मारने चाहिए। ताज मुझे पहनना चाहिए था, मैं बड़ा हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। Congratulations. ये क्या किया बाबा आपने? आपने मुझे धोखा दिया है। जानता हूँ तमाशा बनने वाला है मेरा, पूरे शहर में लोग हंसेंगे मुझ पे। तुमने देखा, तख्त पर मेरा हक था और वो ताज मेरे सर पर होना चाहिए था, लेकिन पहना किसने? छोटे भाई ने मेरे। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ना? बिल्कुल है। इस सल्तनत को जिस तरह मेरे बाबा ने संभाले रखा और कोई संभाल ही नहीं सका। बेइंतहा प्यार करते थे वो अपने लोगों से और सब उनसे। ये क्या किया बाबा आपने? आप कमजोर थे, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान, लेकिन किया क्या आपने? कुछ नहीं। क्या छोड़ा मेरे लिए? जिल्लत। मगर ये कैसे हो सकता है? पहले तो मेरे बड़े भाई का हक है इस पर, तो मैं क्यों? देखो, अगर जिम्मेदारी निभाते हुए मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या कहेंगे सब? कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई मशवरा दो मुझे। तुम्हें बस ये जानने की जरूरत है कि क्या सही है और क्या गलत। उन्होंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि वो जानते थे कि तुम कर सकते हो। और तुम्हारा भाई, माफ करना, उसे कुछ नहीं आता। वो सिर्फ अपनी गलतियों का इल्जाम दूसरों पर लगा सकता है। नहीं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बस खाता ज्यादा है और थोड़ा लालची है, मगर दिल का बहुत अच्छा है। वो किसी पे इल्जाम नहीं लगाता। इसकी वजह सिर्फ तुम हो। बाबा ने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, ना उन्हें तुम्हारा जादू समझाया और ना ही तुम्हारे बेवकूफी के नुस्खे। वो हमेशा यही समझते थे कि तुमने मुझ पर भी जादू किया हुआ। शाहजमान, मैं तुम पर जादू क्यों करूंगी? तुम तो मेरे अपने हो। बैठो यहाँ। मुझे अभी भी नहीं लगता मैं इस जगह का हकदार हूँ, मगर मुझसे जो हो सका मैं करूँगा। देखो करीम, तुम्हारे बाबा जानते थे कि अगर कोई ये जिम्मेदारी संभाल सकता है तो वो सिर्फ सिर्फ मैं और कोई नहीं। हाँ शाहजमान, सुल्तान तुम्हें ही बनना चाहिए था। मुझे यकीन है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें धोखा दिया है। ओह, धोखा? लेकिन ये मैंने क्यों नहीं सोचा? मुझे चीट किया गया है। अब उसे किसी तरह रास्ते से हटाना होगा। हाँ बिल्कुल, उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं ना कि उसे हमेशा के लिए हम जान से? नहीं शाहजमान, मारना नहीं है उसे, बस ये करेंगे कि उसे चूहा बना देंगे। हाँ बिल्कुल, चूहा, जबरदस्त आइडिया है। लेकिन तुम कर सकोगी ये? हाँ, तुम्हें सुल्तान बनाने के लिए कुछ भी करूँगी। सिर्फ छींक। मेरा ख्याल है कि मेरे भाई को छींके लगने से हमें क्या फायदा होगा। तुम्हें कुछ और सोचना चाहिए, सोचो। गायब हो गया, तुमने वाकई कमाल कर दिया। ये लो इसे देखो। तो बताओ, ये अच्छा तरीका है ना तुम्हारे भाई से जान छुड़ाने का? तुम बनोगे सुल्तान और उससे हम गायब कर देंगे, बिल्कुल ऐसे। ये फाइनली मैं सुल्तान बन गया। तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तो तुम हमेशा सुल्तान बनते थे और मैं हमेशा बनती थी तुम्हारी दुश्मन। बहुत अच्छी तरह याद है मुझे, और मैं तुमसे बचकर छुप जाया करता था और मैं तुम्हें सारी जगहों पर ढूंढा करती थी। अच्छा, क्या तुम्हें ये सीक्रेट नॉक याद है? इस नॉक को तो मैं भूल ही नहीं सकता। काश के छोटे ही रहते हम हमेशा। वाओ, इसमें तो एक चाबी है, देखो तो जरा। डिजाइन तो अच्छा है, लगता है ये कोई खास चाबी है करीम। इस पे कुछ लिखा हुआ है,
कदीम जबान लगती है। मेरे बाबा ने ये जुबान सिखाई थी मुझे। तुम पढ़ सकती हो इसे? अब कोशिश करते हैं। ये लिखा है, वसीयत एक रास्ता है, रास्ता एक मोहर है, मोहर एक कोड है, एक कोड एक राज, और वो राज एक जगह है। अब जोर से कहना है, खुल जाओ। हाँ? ये क्या हो रहा है? क्या बात है, इस जगह के बारे में बाबा ने कभी नहीं बताया मुझे। इतने सारे पोशंस और मैजिक आर्टिफैक्ट्स। वो देखो करीम, ये निशान मेरे बाबा का है। इसका मतलब है ये उनका सीक्रेट चैम्बर है। बाबा ने बताया था इस बारे में, लेकिन ये नहीं बताया कि ये कहाँ है या इस तक कैसे पहुँच सकते हैं। तुम्हारे बाबा सबसे पावरफुल मैजिशियन थे, अपने दुश्मनों की वजह से उन्होंने रास्ता किसी को नहीं बताया होगा। अच्छा, तुम इन चीजों के बारे में जानती हो क्या? बस थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं जानती मैं। ये देखो जरा, तुम्हारे बाबा का सामान है इस संदूक में। तो अब क्या करना चाहिए? इसे खोल कर देखते हैं। क्या वाकई? हाँ, चलो देखें क्या है इसमें। ये तो तुम्हारा हाथ लगते ही खुल गया। देखो क्या है इसके अंदर। बस ये एक पुराना बैग। मुझे लगता है इस बैग में गोल्ड है। इंजीर। इंजीर? खोदा पहाड़ और निकला क्या? चूहा। और क्या है इसमें? एक चिराग, एक पुराना चिराग। यकीनन इसके अंदर कुछ और भी होना चाहिए। हाँ? आप लोग यहाँ हैं? अनबिलीवेबल, कैसे ढूंढा तुमने ये कमरा करीम? इस कमरे में तो खजाना छुपा है। सीक्रेट चैम्बर जादू के सामान से भरा हुआ। सदियाँ लग जाती है इसे जमा करने में। हाँ, वाह, कब से तलाश थी चीजों की मुझे। जानती थी ये महल में ही कहीं ना कहीं छुपी होंगी। अब नहीं, ये चीजें मेरे बाबा की हैं। ये सारी चीजें महल में है तो इनका ताल्लुक भी सुल्तान से है। सही कहा, सुल्तान से। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं मुझसे? हाँ, बहुत कुछ कहना है। मसलन गवर्नमेंट, ऑर्डिनेंस, डेलीगेशंस और फ्यूचर। हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम एक कप चाय पियो हमारे साथ। क्यों? लेकिन इस वक्त मैं अच्छा चलिए चलते हैं। तुम कहाँ आ रही हो हमारे साथ? हर बात तुम्हारे सामने नहीं हो सकती। जाओ यहाँ से। शहरजाद, आखिर मसला क्या है? आप हमेशा उससे ऐसे ही बात क्यों करती हैं? छोड़ो उसे, काम की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले चाय पी लेते हैं। बहुत ही फाइनेस्ट और बेहतरीन पत्ती से तैयार की गई, सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे भाई। आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं क्या किया तुमने मेरे साथ? तो आप बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है शाहजमान? मेरा मतलब सुल्तान शाहजमान। सीक्रेट चैम्बर अब मेरा हुआ। सुल्तान शाहजमान। I like it. करीम, करीम! कैसा बावला मॉन्स्टर? तुमने सैंपल में ये तो नहीं दिखाया था? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, मैंने तो बिल्कुल सही जादू किया था, फिर ये बड़ा कैसे हो गया पता नहीं। जादू? कैसा जादू? और करीम कहाँ है? इस दरिंदे ने हमारे सुल्तान को खा लिया है, पकड़ो इसे। गार्ड्स, जल्दी करो, पकड़ो इसे। पकड़ो इस दरिंदे को।
आप ठीक तो है प्रिंस? मैं ठीक हूँ, लेकिन करीम चला गया। क्या हो गया करीम के साथ? ये सब शेरजाद की वजह से हुआ है, इसी ने सीक्रेट चैम्बर में कुछ किया और वो दरिंदा आजाद हो गया जिसने हमारे सुल्तान को खा लिया। अरेस्ट कर लो इसे। ओ हाँ, अरेस्ट करो इसे। नहीं, छोड़ो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। प्रिंस, आपका हुक्म सरांख। उस्मान, सुल्तान का हुइन है। आपका हुक्म सरांखों पर मेरे सुल्तान। सुल्तान, I like it. छोड़ो मुझे। खोलो दरवाजा। क्या कर रही हो? मेरे सर में चोट लग रही है। किसने कहा? कौन है यहाँ? अरे क्या तुम एक जगह रुक नहीं सकती? इतना घुमाया है कि चक्कर आ रहे हैं मुझे। ओह, एक बोलने वाला चिराग। बातें करने वाला जिन। मेरा नाम हलील है। क्या मुझे ये बताओगी कि हारून खालिद कहाँ है? आप हारून खालिद को जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। वो जादूगरों का जादूगर और सबसे खास मैजिक मास्टर था सुल्तान का। यानी के हा? तुम वो नहीं? नहीं, लेकिन मैं बेटी हूँ उनकी। अरे वाह, उनकी बेटी, ये तो कमाल हो गया। पता है तुम्हारी ही तलाश थी मुझे। मेरी? किस लिए? मुझे तुम्हारे बाबा के बारे में एक अहम बात बतानी है। मेरे बाबा के बारे में? बिल्कुल, तुम्हारे अजीम बाबा हारून खालिद के बारे में। उन्होंने कहा था, हलील जब मेरी बेटी मिल जाए तो उसे जरूर बताना, लेकिन जब ये सारा मंजर धुंधला हो जाए। धुंधला? धुंधला, हाँ हाँ धुंधला। लेकिन ये सब कुछ तो अब हो सकता है उन्होंने आपको जादू के बारे में बताया हो, कुछ याद है? अरे हाँ, लेकिन नहीं, पता नहीं क्यों। दुनिया साथ किसी जादू के बारे में कह रही थी, लेकिन क्या हो सकता है? उसने क्या किया होगा? ऊपर क्या हो रहा है? अटैक! चलो मार दो इसे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पीछे हटो, मेरे करीब मत आना मॉन्स्टर। तुमने सुल्तान करीम को मार डाला। छोड़ना मत उसे। वो चाहता तो मुझे भी नुकसान पहुंचा सकता था, फिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? मॉन्स्टर तो चला गया ना। वैसे मैं तुमसे एक बात कहूँ, मुझे इस चिराग के अंदर बंद रहना ज्यादा अच्छा लग रहा है। हे मॉन्स्टर! तुम्हें बाहर किसने निकाला? पहले जरा उस दरिंदे का सफाया हो जाए, उसके बाद तुम्हें भी देख लूंगा। नामुमकिन, आखिर कहा जा सकता है? एक मिनट, करीम और मैं यहाँ पर खेला करते थे और हमारा एक सीक्रेट सिग्नल था। मानना पड़ेगा, यू आर इम्प्रेसिव। खामोश हो जाए। अब क्या हो रहा है? करीम? करीम, क्या ये तुम हो? वाकई में तुम हो? लेकिन ये सब हुआ कैसे? ऑफ कोर्स, वो तुम्हें रास्ते से हटाना चाहती थी और अब शाहजमान सुल्तान बन गया है और सब ये सोचते हैं कि तुमने खा लिया खुद को। ओ, तो यानी तुमने खुद को ही खा लिया? अगर ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन हो भी सकता है।
इसके बारे में बाद में बताऊंगी। अगर दुनिया साथ के पास कोई ऐसा तरीका है जिससे तुम ऐसे बन गए, तो यकीनन तुम्हें ठीक करने के लिए भी कोई ना कोई हल होगा। फिक्र नहीं करना, जल्द ही ठीक हो जाओगे। वैसे एक बात कहूँ, इतने बुरे भी नहीं लग रहे तुम। मॉन्स्टर्स ऐसे ही होते हैं। यहाँ से तो बहुत कुछ गायब है। ये काम यकीनन दुनिया जात का है। हलील, क्या आप जानते हैं कि मेरे बाबा किन चीजों से मैजिक करते थे? हाँ, मैं जानता तो हूँ, लेकिन मुझे याद करना पड़ेगा। क्या इनमें से कुछ याद है? ओ, हाँ, ये पर्पल कलर याद है। क्या ये कोई एंटीडोट है? अरे नहीं, ये फट जाता है। और ये बात मैं नहीं भूल सकता। ओके। हाँ, तो तुम लोग यहाँ हो, तो ये जगह है जहाँ तुम लोग छुपे हो। तुम मुझसे नहीं लड़ेंगे। ये रहा वो। नहीं, रुक जाओ, वरना वो मार देंगे तुम्हें। शुक्र है सुल्तान ठीक है। थैंक यू उस्मान। अरेस्ट करो इस मॉन्स्टर को। शेरजाद को भी। खामोशी से खुद को हवाले कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा, सुना? भागो! कोई फायदा नहीं, हम फंस गए। वाओ, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हें ऊपर से नीचे आना कमाल लग रहा है, जबकि मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। पकड़ो इसे, ये कहीं भागने न पाए। मुझे लगता है कि ये सही वक्त है कि जब तुम अपने बाबा के इंजीर का इस्तेमाल करो। इंजीर? उससे हम उड़ सकते हैं। ओ नो, इंजीर कहाँ गई? लगता है ये सब खा गया। वो रहे, होशियार रहना, भागने न पाए। जल्दी से इसके बाल खींचो ताकि हम उड़न छू हो जाए। माफ करना जमाल। वाओ, ये उड़ रहा है। चलो जमाल, आओ सरफ। चील उड़ी, कव्वा उड़ा, लेकिन मैंने ऊंट उड़ा पहले कभी नहीं देखा दुनिया जात। वो लड़की, उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। फाइनली हम वहां से भागने में कामयाब हो गए, और ये एक नए एडवेंचर का आगाज था। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि एडवेंचर मुझे हैरत अंगेज जगहों पर ले जाएगा। मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है। एक ऐसी जमीन बस मैजिक है, जहां हर सू ताकत का समान। ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजाद देख न पाए। खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से मिल जाए। आए शहजाद, सुन को जैसे मिटाए। आए शहजाद, आए आके हर उलझन सुलझाए। प्रिंस करीम के प्यारे वालिद का इंतकाल हो गया था, और अनएक्सपेक्टेडली उनकी वसीयत के मुताबिक शाहजमान के बजाय करीम को गोल्डन सिटी का सुल्तान बना दिया गया। और हसद में आकर शाहजमान ने दुनिया जात को करीम को एक खौफनाक मॉन्स्टर में तब्दील करने की इजाजत दे दी, और हम महफूज जगह के लिए शहर से भाग गए। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? इस रेगिस्तान में कहीं ना कहीं छुपने की जगह तो मौजूद होगी मेरे ख्याल से।
वहाँ, मुझे लगता है बस वहीं पर। कहाँ? दूर दूर तक तो रेत है। अच्छा रेत है, दरअसल मैंने देखा नहीं जल्दबाजी में ठीक से। जमाल नीचे उतरो, जमीन के जितना करीब। ये लोग वैसे ही सहरा में ज्यादा देर रुक नहीं पाएंगे, हमें चल के सुल्तान तक ये खबर पहुंचानी होगी। तो ये जगह कैसी लगी? अंदर जाने का रास्ता किस तरफ? यहाँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा ख्याल है उस तरफ है, यही कहीं। करीम, देखा तुमने? मैंने कहा था ना एंट्रेंस यहीं पर है। क्या ये महफूज है? बिल्कुल। यहाँ कितनी सर्दी है, लगता है ये मकबरा है। वैसे इस जगह की एक चीज अच्छी है, शाहजमान और दुनियाजाद हमें ढूंढने के लिए कभी भी यहाँ नहीं आएंगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी यही सोच रहा था। बम 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 बम। यस, ठीक बनी है बिल्कुल। तुमने चेक की आंखें उस्मान, कितनी रियल हैं? क्या कहते हो? शायद ऐसी हैं। व्हाट? तुम नहीं समझोगे, ये आर्ट है। उस्मान, क्या वो गद्दार पकड़ लिए गए हैं? अभी तो नहीं, लेकिन वो यकीनन सहरा की तपती हुई रेत पर इस वक्त अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे होंगे और वहीं मर जाएंगे भूखे प्यासे। नहीं, गद्दारों को सजा तो हम ही देंगे। ढूंढो उन्हें। सुना तुमने? लेकिन माय डियरेस्ट दुनिया सा, इससे बेहतर प्लान है मेरे पास। ये देखो। हैरान मत हो, मैंने ही बनाई है ये तस्वीर। उस्मान, इसकी 500 कॉपियां बनवाना है और इसे हर शहर में लगवाना है, और साथ में ये इनाम भी रख दो कि जो भी उस मॉन्स्टर को पकड़ेगा जिसने मेरे भाई करीम को मारा है, उसे पूरे 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। आपका हुक्म सर, आंखों पर मेरे सुल्तान। वैसे अंदर क्या चल रहा है, होम फर्निशिंग या फिर रीडेकोरेटिंग? क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे सिर्फ उन्हीं कामों में दिलचस्पी होती है जिससे हम दोनों को फायदा पहुंचे? देखो मुझे ये क्या मिला है, जादूगर हारून खालिद के सीक्रेट चैम्बर से। लेकिन ये इस कमरे के हिसाब से काफी छोटा लग रहा है मुझे। तशरीफ रखिए। क्या हो गया है दुनिया साथ? मैं एक सुल्तान हूँ और सुल्तान फर्श पर नहीं बैठते। तशरीफ रखिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, वाकई अच्छा है, लेकिन प्लीज मुझे नीचे उतारो दुनियाजाद, क्योंकि बहुत डर लगता है मुझे ऊंचाई से। इस फ्लाइट कार्पेट पर बैठकर हम कहीं भी जा सकते हैं, बच नहीं पाएंगे वो हमसे। लेकिन मैं एक हफ्ते तक कहीं नहीं बैठ पाऊंगा। सीक्रेट चैम्बर से मुझे एक और खास चीज मिली है जो फ्लाइंग कार्पेट से ज्यादा मैजिकल लग रही है। क्या तुम इस अंगूठी का कमाल नहीं देखना चाहोगे? हाँ ये देखो। यहाँ ज्यादा देर नहीं छुप सकते, वो लोग सब कुछ बर्बाद कर देंगे, दुनिया साथ और मेरे भाई दोनों।
इसने जो कुछ कहा ठीक है, लेकिन क्या तुम समझ पाई उसके बाद जो इसने कहा? मैं भी तुम्हारी तरह महल में वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन हर तरफ सिपाही है, अगर उनसे लड़ोगे तो वो तुम्हें मार डालेंगे। हमें कुछ सोचना चाहिए। क्या बन गया मैं? एक मॉन्स्टर? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तुम पर जादू हुआ है और हर जादू का उलट होता है। क्या मतलब इसका? जैसे कोई दवाई या कोई और तरीका। अगर मेरे बाबा होते तो उन्हें पता होता। सही कहा तुमने, वो अपने स्क्रॉल पे लिखते थे। स्क्रॉल? कैसा स्क्रॉल? उनकी सारी तहकीक, नतीजे और मालूमात होती थी उसे एक स्क्रॉल पर। वाकई? ये सच है? बिल्कुल सच है। या शायद नहीं, या फिर गलत है ये, या मेरे ख्याल में सीक्रेट चैम्बर में है। वो सीक्रेट चैम्बर जहाँ इस वक्त दुनियाजाद राज कर रही होगी। ठीक है, लिहाजा हम रात की तारीकी में चुपके से जाएंगे, लेकिन तोड़फोड़ नहीं। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, हम चुपके से जाएंगे। मुझे खुफिया रास्तों का पता है जहाँ से मैं बगैर किसी के देखे बाबा के चैम्बर तक आसानी से पहुँच सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि स्क्रॉल अभी तक वहीं पर हो। हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम उसे ले लेंगे। शाहजमान, देखो क्या मिला मुझे। यही है वो जो इसके हाथ में है, द स्क्रॉल ऑफ नॉलेज। बहुत खूब, जिन राजों की मुझे बरसों से तलाश थी, लगता है आज वो मेरे हाथ आ गए। कैसे बनाया जाता है लेट गो गोल्ड? ये भी कोई काम हुआ? हो, शक्ल बदलने वाला जादू, वाओ। ये क्या है? डॉक्टर डुबान? टोबन डुबान? कौन है ये डॉक्टर डुबान? कोई भी हो, मुझे इससे क्या? यूज़लेस। उस बेवकूफ हारून खालिद ने सिर्फ फायदा पहुंचाने वाला जादू ही लिखा है। टॉक मैजिक कहाँ है? सबसे खतरनाक। कब मिलेगा मुझे? कब मिलेगा? चलो चले। कहाँ जा रही हो? गद्दारों के लिए महल में कोई जगह नहीं। तो फिर तो तुम्हें भी यहाँ नहीं होना चाहिए था। वापस दो मुझे ये। मुझे लगता है मुझे कहना चाहिए नहीं। इसे मैंने ढूंढा है, ये मेरा है। ये मेरे बाबा का है। छोड़ो इसे, इस पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। माफी चाहती हूँ, गलती हो गई मुझसे। ये लो। तुम्हें से पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा जब ये जल कर राख हो जाएगा। जो चीज मेरी नहीं हो सकती वो किसी और की कैसे हो सकती है? मैं वापस आऊंगी दुनिया साथ। हो, तुम्हें जाने कौन दे रहा है? उस्मान, गार्ड्स! उस्मान, वो उस तरफ गई है। कौन थी? कहाँ गई है? तुमने देखा नहीं उसे? तुम्हारे सामने से गई है। मैंने उसे नहीं देखा। ढूंढो उसे महल में। सारे शहर में ढूंढो, चाहिए वो मुझे। डुबान, दुनियाजाद स्क्रॉल पढ़ते हुए ये नाम ले रही थी, डॉक्टर डुबान। ओह, मैं उन्हें जानता हूँ, वो एक एक्सपर्ट आदमी हैं। कौन है ये? डॉक्टरों के डॉक्टर, इंतहाई काबिले एहतराम वेनरेबल ओल्ड स्कॉलर। डॉक्टर? आम डॉक्टरों की तरह नहीं, नजला और खांसी का माहिर साइंसदान, किसी जादूगर की तरह। नहीं, जादू के बगैर, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर। आपके वालिद उन्हीं से मशवरे लेते थे। फिर हमें उन्हें ढूंढना चाहिए, वो जरूर हमारी मदद कर सकते हैं। उन्हें लाजमी इलाज मालूम होगा। क्यों ना हम कोशिश करें, अगर वो पावरफुल है। लेकिन वो हमें मिलेंगे कहाँ? याद आया, हारून खालिद हमेशा उनसे मशवरों के लिए मिला करते थे क्रिस्टल सिटी में।
ये तो अच्छी बात है क्योंकि वहाँ कोई भी हमें तलाश नहीं कर रहा। चलो। ओ, तो वो वापस क्यों आई? वो क्या ढूंढ रही है? लगता है इम्पोर्टेंट है कुछ। जादू का तोड़ ढूंढने आई थी और क्या? तोड़ ढूंढने? वो किस लिए? जो हालत तुम्हारे भाई की हुई है उसे ठीक करने के लिए। उसका ख्याल था कि जादू का तोड़ हारून खालिद के सीक्रेट चैम्बर में मिलेगा। ख्याल ठीक था उसका, लेकिन अब उस बेचारी को कुछ नहीं मिलने वाला। तो अब सवाल ये है कि वो कहाँ गई होगी। तूफान। ये है क्रिस्टल सिटी। हाँ, और मैं हमेशा से यहाँ आना चाहती थी। कभी सोचा नहीं था कि यहाँ छुपना पड़ेगा। हमें जाना कहाँ है? अगर ऐसे ही घूमते रहे तो उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। हमें किसी से पूछना चाहिए। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मुझे पता है हमें उस तरफ जाना है। यहाँ से बिल्कुल सीधा। हाँ। लगता है आपकी याददाश्त बेहतर हो गई। मेरी याददाश्त का नहीं, ये कमाल है उस दीवार पे बने साइन का। क्या ये जगह है? मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा क्लिनिक पहले कभी नहीं देखा। वैसे वो आम डॉक्टर्स की तरह लगते भी नहीं है जो कभी आपने देखे होंगे। डॉक्टर डुबान, हेलो। ये जगह कितनी अजीब लग रही है। डॉक्टर डुबान की जगह जो है ये, प्लीज अगली बार मुझे इस तरह से डरावनी जगह पर मत लेकर जाइएगा। डॉक्टर डुबान, सुनो। ओहो, खुशामदीद, फरमाइए क्या कर सकता हूँ मैं? हेड। ये एक दुख भरी कहानी है, खौफनाक जादू की वजह से हुआ ऐसा। लेकिन अब ठीक हूँ, परेशानी की बात नहीं है। मैंने ऐसी दवा बनाई है जिसमें है हर प्रॉब्लम का सलूशन। बस वो दवा खाइए और हो जाइए सुपर फिट। क्या आप डॉक्टर डुबान हैं? यस आई एम। और तुम हो शहरज़ाद और बेटी हो मेरे मरहूम दोस्त हारून खालिद की। उस वक्त तुम बहुत छोटी थी जब मैंने तुम आखिरी बार देखा था हारून की गोद में। मेरे बाबा, आप उन्हें जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। तुम्हारे बाबा एक बहादुर आदमी थे, याद है मुझे उसने किस तरह हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी उस जालिम असीफा फरसा से। तो मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारे बाबा की वजह से। आगे मत आना, हटो पीछे, छुप जाओ लड़की। ये मुझे जानता नहीं है मैं इसका क्या हल कर सकता हूँ। कैसे? अपने दांतों से। इसकी जरूरत नहीं, ये हमारा दोस्त है। मेरा नाम करीम है। करीम? ओ, गोल्डन सिटी के सुल्तान का बेटा और उनकी सल्तनत का वारिस। सही पहचाना, बिल्कुल मैं। मुझे याद है मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ, लेकिन आप कुछ बदल से गए हैं। नीले हो गए हैं काफी। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। अगर आप वाकई हारून खालिद के दोस्त हैं तो हमें आपकी मदद चाहिए। तो फिर मुझे चाय बनानी चाहिए। क्या चाय? आपको क्या हमारी मदद चाहिए? हाँ, मैं आपकी मदद करती हूँ। नो थैंक्स, मैं खुद बना लूंगा। चलो अब डॉक्टर डुबान से मल ही लिया जाए। और उसने स्क्रॉल को जलाकर राख कर दिया और बाकी सिर्फ एक ही चीज बची, वो कागज जिस पर आपका नाम था। बहुत अच्छा बोलती हो, तुम्हारे कहानी सुनाने का अंदाज बिल्कुल मेरी माँ जैसा है। तो आपको हम पर यकीन है? ऑफ कोर्स, मेरे पास शक करने की वजह ही नहीं है कोई। तो ठीक है मेरे नीले दोस्त, मेरे करीब आइए, मैं जरा आपका मुआयना कर लूं।
आंखों में गुस्सा, सर पे दो सींग, लंबे लंबे हाथ, काफी पेचीदा केस लगता है ये। बड़ा सा मुंह खोलो। क्या आपको लगता है आप इसका इलाज कर सकते हैं? शायद नहीं, मैंने ऐसे जादू का असर पहले कभी नहीं देखा। कई किताबें पढ़ी लेकिन ये कुछ अलग सा है। यानी आपका मतलब मैं ऐसे ही रहूंगा हमेशा? लेकिन आपको कुछ तो पता होगा, इसका कोई तो इलाज होगा, या जादू या फिर साइंस। बहुत मुश्किल है, लेकिन एक किताब ऐसी भी है जिसमें मिल सकता है हमें इस जादू का तोड़, और उस किताब का नाम है द बुक ऑफ आंसर। दुनिया के सारे जादू और उनके तोड़ उस किताब में लिखे हुए हैं। मुझे ये किताब हासिल करनी होगी। दुनिया में बहुत सी जादू जगहें हैं जहाँ पे बहुत कम लोग जाने में कामयाब हुए हैं, और उससे भी कम वापस आने वाले, और उससे भी कम ये राज बताने वाले। तुम्हें एक ट्री ढूंढना है। ट्री? हाँ, द ट्री ऑफ लाइफ एंड द सोर्स ऑफ ऑल मैजिक। यानी अगर हम ट्री ऑफ लाइफ तक पहुँच जाए, एक चांस है कि करीम ठीक हो सकता है। बिल्कुल, अगर दरख्त मिल जाए तो हो सकता है। लेकिन कहाँ मिलेगा वो हमें? आपके बाबा का वो लैंप ऑफ वंडर्स, उसे हासिल कर लिया जाए तो बहुत मदद मिल सकती है। याद रखो, अगर ट्री तक जाने का कोई रास्ता है तो वो उस लैंप के जरिए ही पता चल सकता है। तब कह सकते हैं कि मौका है। एक मौका, मैजिक ट्री, पुराना लैंप। अगर मुझे मौका मिले तो मैं उस चुड़ैल का मुंह नोच लूं जिसने मेरा यहाँ कर दिया। एक बार वो मेरे सामने आ जाए। चुड़ैल हूँ मैं? उससे भी कहीं ज्यादा। तुमने जो मेरे साथ किया उसकी सजा जरूर है। द रिंग ऑफ ज़मूरा। क्या खतरनाक है ये? खतरनाक नहीं, बहुत खतरनाक है। मेरे ख्याल है वापस चिराग में जाना बेहतर होगा। दोनों में से सबसे पहले किसे खाऊं मैं? सबसे पहले उस बीच को जाओ और काट खाओ। हमला करो उस पर। चले जाओ यहाँ से। चले जाओ। बचोगी नहीं तुम मुझसे। देखते हैं कि तुम कितनी ताकतवर हो अपने उन एम्स के बगैर। हे, हटाओ इसे। ऐसा सोचना भी नहीं। अगर तुमने इसे कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। छोड़ दो इसे। वो किताब मुझे दे दो। ये नहीं हो सकता, किताब इसको मिल गई तो गजब हो जाएगा। ठीक है, उसे कुछ मत कह रहा। वहाँ है किताब, वो सबसे बड़ी लाल वाली। तुम निकालो इसे और टेबल बना के रखो। मिल गया। दुनिया का सारा मैजिक अब होगा मेरा। इससे दुनिया होगी मेरी मुट्ठी में, और मैं बन जाऊंगी सबसे ताकतवर। दुनिया जात के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। ये पेजेस आपस में जुड़े हुए क्यों हैं? अब कैसे होंगे ये अलग? अगर तुम मुझे मौका दो तो मैं तुम्हारी उंगलियों पे थूक लगा दूं ताकि पेजेस आराम से अलग हो सके। हरगिज नहीं, शुक्रिया तुम्हारा। क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या किया है तुमने? ओह माय गॉडनेस, शोर की वजह से कंफ्यूज हो गया। शायद तुम्हें कोई गलत बुक दे दी मैंने। ओह माफ कीजिएगा। गलत बुक? मैं
मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गुस्सा मत कीजिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैंने कहा ना, आई एम सॉरी, गलती से जहरीली और खतरनाक बीमारी वाली किताब दे दी मैंने। जहरीली और खतरनाक बीमारियाँ, क्या बात है आपकी, हाई फाइव। माफ कर दीजिए, भूल गया था। जीरिस, मेरे पास आओ अभी। ये मत समझना मैंने हार मान ली है, मैं वापस आऊंगी। कोई नहीं बचेगा मुझसे, कोई नहीं। जहर, क्या वो मर जाएगी? कुछ नहीं होगा उसे, परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ बस थोड़ा सा बुखार होगा, सर में दर्द, और शायद वो कुछ दिनों तक चल भी ना पाए, बस और कुछ नहीं। शुक्रिया डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, तुम जाओ इससे पहले कि वो गार्ड्स को भेजे, और उस लैंप को तलाश करो। वही एक ऐसी चीज है जो सब ठीक कर सकती है। हमें ट्री ऑफ लाइफ मिल जाएगा, जो भी करना पड़ा हम करेंगे, मैं तुमसे वादा करती हूँ। और इस वादे पर हमने आगे के तवील और खौफनाक सफर के लिए तैयारी की। इस दुनिया में जहाँ भी करीम का इलाज था, हमें उसे तलाश करना था, मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है। एक ऐसी जमी बस मैजिक है, जहाँ हर सू ताकत का समान, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजा देख न पाए, खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से मिल जाए। आए शहजा सुन को जल से मिटाए, आए शहजा आए आके हर उलझन सुलझाए। हम क्रिस्टल सिटी पहुंचे डॉक्टर डुबान से मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि करीम के इलाज के लिए हमें ट्री ऑफ लाइफ ढूंढना होगा, और ऐसा करने के लिए हमें कदीम लैंप ऑफ वंडर्स की जरूरत है। लेकिन उससे पहले करीम को एक मुख्तलिफ किस्म के इलाज की जरूरत थी। सुनिएगा, कितना आसान था ये सब करना। इस तरह देखना बंद करो, डॉक्टर डुबान ने कहा है कि हमें वो लैंप ढूंढना होगा। कैसे? मैं ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम नहीं जा सकोगे, बेहतर है कि मैं खुद चली जाऊँ। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं साथ चलूंगा तुम्हारे। नहीं करीम, शहर में लोग आसानी से पहचान लेंगे तुम्हें, इसमें बहुत खतरा है। लेकिन मैं यहाँ अकेला क्यों? बेहतर होगा कि चीजों के ठीक होने तक तुम छुपे रहो, मैं खुद ही वो लैंप ढूंढ लूंगी किसी भी तरह। लेकिन शहजाद तुम उसे ढूंढोगी कहाँ? तो बहुत आसान है, वो नक्शा लेना होगा जो तुम्हारे वालिद के पास होता था। नक्शा? कैसा नक्शा? हारून खालिद का नक्शा। ये नक्शा गोल्डन सिटी में द लैंप ऑफ वंडर्स की मेन डायरेक्शन को जाहिर करता है, कुछ समझ आया? तो ये नक्शा है कहाँ? दिमाग चलाए। अच्छा रहने दो, जब आप ऐसा नहीं करते तब ज्यादा याद रहता है। उन्होंने जो तुम्हें नक्शा दिया है वो, ओ रुको रुको रुको, वो नक्शा जो उन्होंने तुम्हें नहीं दिया है वो तुम्हारे पास नहीं है क्या? नहीं। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है मेरे पास, ये रहा। इसमें तो कुछ नहीं है। ठीक कहा तुमने,
ये सिर्फ एक खाली पेपर है। वैसे ही यकीनन मेरे बाबा का ही है। ये रहा उनका निशान, ये देखें। रुक जाएं, ये सब क्या है? उन्होंने ये नक्शा ऐसा बनाया कि सिर्फ तुम ही इसे देख सको, और वो भी अपने फैमिली नेकलेस से। सही कहा, मैं ये कर सकती हूँ। मैं भी साथ जाऊंगा, तुम अकेले नहीं जाओगे। हाँ? मैं बड़ा हूँ और ताकतवर हूँ, बचाने के लिए जाऊंगा तुम। ये नक्शा मेरी मदद करेगा, अब चलना चाहिए। चलो जमाल। मैं अकेले ये नहीं कर सकती, है ना जमाल? क्यों नहीं मिल रहा? क्या लैंप नहीं मिला अभी तक? करो। पर्सनली मुझे लगता है तुमने डॉक्टर से कुछ गलत सुना है, क्योंकि डॉक्टर पूरा नहीं है, सिर्फ हेड है। हो सकता है उस हेड में दिमाग मिसिंग हो। बहुत सवार पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको कि लैंप यहाँ पर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कोई क्लू तो जरूर होगा, या कुछ और जो मुझे लैंप तक ले जाएगा। जरूर मिलेगा, क्या पावर है। यहाँ मेरे साथ बैठकर बकलावा खा लो, यमी यमी। बाद में खा लेंगे बकलावा, उधर शेरजाद उस लैंप की तलाश में है, लेकिन मैं लैंप तक पहले पहुँच जाऊँ तो आसानी से पकड़ लूंगी उन्हें। यस। माफ करना, मैंने माफी मांग तो ली है। अच्छा बात तो सुने, दोबारा माफी मांग लो। मेरे रास्ते से। अच्छा इसका मतलब है मुझे माफी मिल गई। इससे तो मेरा पूरा साल गुजर जाएगा। इतना गुस्सा। चले मैं चलता हूँ। अरे मेरा हार, ओह नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। करीम, काश तुम मेरे साथ आए होते। आसमां है ब्लू जैसे के तुम भी हो ब्लू। सामान दो छोटी सी जेबों में कैसे डाल दिया? लगता है कोई माहिर चोर होगा। अगर आप उसको पकड़ना चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बस ये निकला है इसके पास, लेकिन तुम तो कह रहे थे उस्मान कि ये एक मास्टर थीफ है। हम इसका कई दिन से पीछा कर रहे थे और ये हमें मुसलसल बेवकूफ बनाता रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्या आपको बेवकूफ बनाने की जरूरत है? उस्मान, इसकी सजा ये है कि इसका सर काट दो। क्या? प्लीज ऐसा मत करें, चोरों का सर नहीं काटा जाता। मेरे सुल्तान, इससे सच उगलवाना बहुत ही आसान है और ये काम मेरे सिपाही बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हाँ हाँ, इस आदमी ने जो भी कहा इसकी बात मान लीजिए। हाँ तुमने ठीक कहा, अगर इसका सर नहीं रहेगा तो धड़ किस काम का। चलो मेरे साथ। हाँ? आप ऐसा नहीं कर सकते, कहाँ लेके जाने, मुझे बोलने का मौका तो दे। तुम्हें ये कहाँ से मिला है?
ये मेरी माँ का था, मेरी माँ को नानी ने दिया और नानी को पर नानी ने, इसके आगे याद नहीं। ये जादूगर हारून खालिद का सिंबल है। तुमने क्या कहा, हारून खालिद? वो यही है, यकीनन लैंप की तलाश में आई होगी। एक सवाल पूछना है तुमसे, महल के कैद खाने में ही जिंदगी गुजारना चाहोगे या फिर छोड़ दिया जाए तुम्हें? ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो एक काम करना पड़ेगा। जी क्यों नहीं। इसे जाकर वापस लौटा दो उस लड़की को, जहाँ वो जाए उसका पीछा करो। एक लैंप और एक संदूक है उसके पास, बस ले आओ नहीं यहाँ, फिर तुम्हारा सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड गायब। वाकई? तुम आजाद होगी, बिल्कुल आजाद। हाँ तो क्या कहते हो तुम, मेरी ये शर्त तुम्हें मंजूर है? हाँ मंजूर है। जाने दो इसे, और इसका पीछा कोई नहीं करेगा। ओ ये क्या, तुम उसे जाने दे रही हो किसी सिपाही के बगैर? मैंने कब कहा कि वो अकेला जा रहा है, उसके साथ तो। यही है The Catacombs। खौफनाक तो नहीं है, है ना? मैं जानती हूँ, लेकिन मैं लैंप के बगैर वापस नहीं जा सकती हूँ। ये सब बहुत आसान होता अगर मैं बस, अगर एक दफा वो चोर मुझे मिल जाए। अगर हा? वो चोर तुम्हें मिल गया तो क्या करोगी, ये बात मैं जानना चाहूँगा। मैं ये करूँगी। मेरा हार वापस दो मुझे। हार? रुको दे रहा हूँ, ये रहा, पकड़ो अपना हार। जैसे ही मैंने इस निशान को पहचाना मैंने सोचा इसे वापस कर देना चाहिए। अच्छा वैसे हारून खालिद क्या बेटी है या कुछ और लगती है? अब जाओ यहाँ से। शुक्रिया अदा करने का ये कौन सा तरीका है? वैसे आपको इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। ये तुम्हारा मसला नहीं है, चोर चोर नहीं अलादीन। देखो उस रास्ते से जाने में नुकसान है क्योंकि वो रास्ता खराब है। खराब है? लेकिन एक रास्ता है जो के सबसे बेहतरीन है। लेकिन आप मेरी बात क्यों मानेगी, क्योंकि मैं एक चोर जो ठहरा। अगर तुम्हें चाहिए क्या? वो सील चैम्बर जो आपके नक्शे पर लगा हुआ है मैं वहाँ तक पहुँचा दूंगा, लेकिन जो मिलेगा वो दोनों का होगा। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, बाकी जो भी मिला तुम्हारा। हाँ ये भी ठीक है। सोच के रही हैं। तुम छुपे रहना जमाल, लेकिन अगर तुम ये सुनो तो मुझे लेने आ जाना, समझ गए? तो तुम इन रास्तों को इतने अच्छे से कैसे जानते हो, किसी को लूट चुके हो यहाँ? अलादीन, अलादीन जी हो। मैं इस जगह को इसलिए अच्छी तरीके से जानता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से बहुत कुछ चुराया है। हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा मैं इस जगह पर 2 साल रहा था। यहाँ पर? ये तो कब्रिस्तान जैसा है। यतीम हूँ, कहीं तो रहना पड़ेगा ना, और वैसे भी इस जगह पर शोर नहीं है। ये सुनकर अफसोस हुआ। हम कहाँ हैं? क्या हम गार से आगे आ गए हैं? हाँ तकरीबन। तुम्हारा मतलब हम गुम हो गए हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे मालूम है कि हम लोग कहाँ पर हैं इस वक्त। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि रास्ता इस तरफ से आएगा या फिर इस तरफ से। इसका मतलब गुम हो जाना ही है। मुझे लगता है हम यहाँ हैं, तो सील चैम्बर को होना चाहिए उस तरफ। देखा तुमने, मैं बस कहने वाला था कि रास्ता यहीं से आएगा। बच के रहना टेंड्रिल्स ऑफ डेथ से।
मेरे पीछे आओ। अलादीन रुको, 10 Rules of Death से बचना है, यहाँ यही लिखा है। ठीक है मैं रुक गया हूँ, अब क्या? मैं नहीं जानती, नक्शे में इससे ज्यादा नहीं है। हाँ अगर आपको बुरा ना लगे तो आपका हाथ मिलेगा मुझे। समझ गया, हमें इनसे बच के जाना होगा, इसके बाद सारा रास्ता साफ है। दरअसल ये कहाँ से आ गए? अभी भी थोड़ा सा मसला है। ये थोड़ा है? अंधेरे में रात का खाना आई। मुझे अंधेरे में खाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस खाने की मजेदार खुशबू। ऐसा कोई रास्ता नहीं हो सकता जहाँ से गुजर ना सके, इसके पीछे कोई तो राज होगा। सही कहा, मैं समझ गया। मेरे बाबा ने कुछ तो लिखा होगा इसमें। अलादीन तुम नहीं कर सकते। या तुम कर सकते हो। ये तो जबरदस्त है, लेकिन तुम रुक क्यों गए? बस थोड़ी मदद चाहिए। ठीक है परेशान नहीं हो, मैं देखती हूँ। क्या थोड़ा जल्दी नहीं देख सकती? वहाँ तुम्हें वो स्कल नजर आ रहा है? हाँ? उसकी आंखों में अपनी उंगलियाँ डालो। ओह क्या वाकई? करो। करता हूँ, रुको तो सही। हाँ अब आगे शायद कोई मसला नहीं होगा। आ जाओ अंदर चलते हैं। ये रहा वो लैंप जो वो चाहती है। क्या कौन चाहती है? मेरे बाबा को ऐसे लैंप्स बहुत पसंद है। तुमने तो कहा था तुम यतीम हो। पसंद थे। हाँ लेकिन मैंने तुमसे कहा था मुझे एक ही चीज चाहिए और वो यही चीज है। सॉरी मुझे नहीं लगता ये दे सकती हूँ। लेकिन यही हमारी डील थी, याद है? वो तुम्हें अंदाजा नहीं ये कितना अहम है मेरे लिए। रुको आखिर मसला क्या है? ये कॉलम, इसके ऊपर देखो, ये वजन को मुंतकिल करने के लिए बनाया गया है। छोड़ो इसे, हम यहाँ से चलते हैं। अब हम यहाँ तक आए हैं तो इसे लेकर ही जाएंगे। ओह एक मिनट। हाँ तो तुम ही बताओ क्या इसका वजन लैंप के जितना होगा? हाँ बराबर ही होंगे। ओके ये सब क्या हो रहा है? लैंप दो मुझे। भागो यहाँ से। क्या मैं कुछ मदद करूँ तुम्हारी ऊपर जाने में? अलादीन जल्दी करो। नहीं कर सकोगे। पहुंच जाऊंगा मैं। इसे लैंप दो। अलादीन 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 कहा था ना पहुंच जाऊंगा। हमारी एक टीम बन सकती है, क्या ख्याल है? हाँ तुम इतने भी बुरे नहीं जैसे चोर होते हैं। सुनो हमें यहाँ से निकलना चाहिए जल्दी। क्यों? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, यकीन रखो मुझ पे।
इन्हें तुमने बुलाया? हाँ, अब देखना इस लैंप से मैं क्या क्या। तुम आजाद हो, जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। जी ठीक है, जैसा आप कहें। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ शेरजाद, कहाँ है वो? मैं नहीं जानती तुम किसकी बात कर रही हो। अच्छा चलो मैं तुम्हें हिंट दे देती हूँ, वो ब्लू है और बहुत बड़ा सा है। कुछ याद आया? उसके बारे में बता दूं? हाँ, मैं लोगों को धोखा नहीं देती। मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। तुम गए नहीं अभी तक? माफ करना, मैंने देखा नहीं। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मेरी गलती है, दरअसल कभी कभी मेरे पैर मेरी भी नहीं सुनते। वैसे तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हुआ है, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। मुझे आजाद करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ये क्या? इसने मेरा खंजर चुराया है। पकड़ो इसे। मजे का लगता है। ये भी दे। स्मार्ट, पकड़ो उसे, कहीं भागने मत देना। वो भाग रही है, रोको उसे। ये बहुत मजे का है। वो थीप मेरा बकलावा लेके आ। स्टॉप थीप। तुमने शेरजाद। पहले थीप। शेरजाद। पहले थीप। शेरजाद। नहीं थीप। शेरजाद। थीप। वो भाग गए, पकड़ो उन्हें। कहाँ गए? भाग गए। हिम्मत कैसे हुई धोखा देने की? चूहा बना दूंगी मैं तुम्हें। अब चूहा बनाओ या कुछ भी, लेकिन हम दोनों को यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं लैंप के बगैर नहीं जाऊंगी। तो लैंप भी हाजिर है। लेकिन कैसे? ये सब करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। मुझे लैंप चाहिए। गार्ड्स, वो ऊपर है, हमला करो। अब क्या? अब ये कि मेरे पास प्लान बस यहीं तक का था, आगे कुछ नहीं। अटैक! जल्दी ऊपर चलो। तुम्हारा ऊंट उड़ भी सकता है? हाँ बिल्कुल। तुम्हें मजा आएगा। ये खाना मिलने वाला है, मजेदार खाना। तो ये है लैंप ऑफ वंडर्स। ओहो, वैसे क्या ख्याल है, अंदर क्या होगा या फिर क्या वंडरफुल हो सकता है? हाँ। देखें, हम इसके वंडर्स के बारे में तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये यकीनन बहुत खास है। लेकिन इससे ज्यादा खास बात यह है कि तुम वापस आ गई। थैंक्स टू अलादीन, इसने बहुत मदद की। कोई बात नहीं, बस शर्मिंदा हूँ थोड़ा धोखा देने पर। क्या आप असल सुल्तान हैं? जी हाँ। वैसे आपका भाई बहुत खतरनाक है, बुरा ना मानिएगा। हाँ सही कहा तुमने। मैं हमेशा हाजिर रहूँगा जब भी आप दोनों को मेरी मदद की जरूरत होगी। ये सच में बहुत मजे का है। वो तो लग ही रहा है। क्या आप लोगों में से कोई खाना पसंद करेगा? ये बहुत ही अच्छा लम्हा था, काफी वक्त के बाद हम इतना हंसे थे। हमारा अगला कदम ट्री ऑफ लाइफ तक पहुंचना है ताकि करीम बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन जब हम ये करने निकले तो जवाब हमारे ख्याल से ज्यादा मुश्किल था। मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है।